कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन आशातीत तीसरी लहर के प्रभाव को कम करने को लेकर किंग सेना के संस्थापक अध्यक्ष कुंवर राव गगन सिंह के निर्देशन पर शहर में सैनिटाइज उदयपुर अभियान का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। जिला कलेक्टर से एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, एडीएम सिटी अशोक कुमार और डिप्टी सीएमएचओ राघवेंद्र राय ने सैनिटाइजर के लिए 2 ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान किंग सेना के महासचिव सुनील निमावत खटीक, संगठन मंत्री प्रमोद श्रीमाली, उपाध्यक्ष रविंद्र राव और कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान, शहर में निःशुल्क सैनिटाइजेशन कर रहे सुविधा सर्विस के डायरेक्टर विजय कुमार व टीम के दिलीप मेघवाल, गिरिराज प्रजापत सहित किंग सैनिक मौजूद रहे। महासचिव सुनील निमावत ने बताया कि किंग सेना के संस्थापक अध्यक्ष कुंवर राव गगन सिंह के निर्देशन में पिछले 1 साल से कोरोना काल में सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत उदयपुर, बांसवाड़ा, मावली, वल्लभ नगर, बिजोलिया सहित आसपास के गांव में कोरोना संक्रमित और उनके परिजनों को भोजन, काढ़ा वितरण और सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर के 70 वार्ड में सैनिटाइजेशन का बीड़ा उठाया गया है, जिसमें वार्ड अनुसार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ ही जहां शहर की तंग गलियां हैं, वहां सुविधा सर्विस के पवन प्रजापति द्वारा पीपीई किट पहनकर सैनिटाइजर मशीन से छिड़काव किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक श्री गगन सिंह जी के निर्देशानुसार आज उदयपुर में किंग सेना द्वारा शहर के 70 ही वार्ड में कोरोना टाइम को देखते हुए निःशुल्क सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए और प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी हम प्रशासन को ये वादा करते हैं कि कहीं भी अगर कोरोना में महामारी में हमारी जरूरत पड़ी तो किंग सेना आपके साथ खड़ी रहेगी और पूरे शहर को और अच्छा उज्जवल और उत्कृष्ट विकास करने में सहयोग करेगी। वहाँ के लिए भी हमने एक सैनिटाइजर का व्यवस्था की है, जो हमारे पीपीई किट और कंधे पर लगाकर मशीन के थ्रू वो करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं उस तरफ वो करें। ठीक है, ठीक है।